बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरफ सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें लताड़ लगाई जा रही है हर तरफ से, और उसके बाद कंगना रनौत के खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस भी दर्ज करा दिया है। जी हां दोस्तों, जावेद अख्तर ने कंगना के उस बयान पर आपत्ति जताई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया और ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए कहा। अब जावेद अख्तर ने अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। जावेद अख्तर ने अपने वकील के जरिए ये बयान दर्ज कराया है। आपको बता दें कि काफी टाइम से चल रही बयानबाजी से परेशान होकर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन लेने का मन बनाया है और उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया है। जावेद अख्तर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्होंने इसके लिए कमर भी कस ली है। आपको बता दें कि कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है, लेकिन हर तरफ से सोशल मीडिया पर उन्हें इस वक्त जमकर लताड़ा जा रहा है। एक तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से कंगना रनौत ने ट्वीट पर ट्वीट किए, अब वो सबके हाथे चढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत के सितारे गर्दिश में नहीं चल रहे हैं, यही वजह है कि अब जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जावेद अख्तर कंगना रनौत के खिलाफ। आपको बता दें कि दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने कहा था कि कंगना को जावेद अख्तर ने अपने घर पर बुलाकर काफी धमकाया और ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। कंगना पर फिलहाल चार अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। फिलहाल वो किसान आंदोलन पर अपना पक्ष रख रही है जिसकी वजह से उनकी दिलजीत दोसांझ से सोशल मीडिया पर लड़ाई भी चल रही है।